आदाब मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का DTV 9 में खैर मकदम है। बतारीख 24 जुलाई बरोजे इतवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट और IT मिनिस्टर KTR की सालगिरह के पेश नज़र रियासत भर में बड़े पैमाने पर जगह जगह इनकी सालगिरह तकारीब मुनक़िद की जा रही है। इसी के किस्से के तौर पर तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और TRS पार्टी के सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन सैयद महबूब ने नामपली में वाक़ दरगाह यूसुफैन शरीफैन पर चादर चढ़ाई और TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के हक में नेक दुआओं का और इनके पॉलिटिकल करियर के लिए नेक दुआओं का नजराना पेश किया गया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर DTV 9 के साथ। नीचे कर लो बस। आज TRS के बहुत से कायदीन दरगाह यूसुफैन शरीफन पर हाज़िरी दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, बदर भाई साहब TRS से सीनियर कायद, हमारे महबूब साहब सैयद महबूब साहब और बहुत से हमारे मुबीन साहब और दीगर कई कायदीन जो है, और क़य्यूम अनवर साहब भी आज तशरीफ लाए हैं। ख़ास तौर से आज यहाँ गिरजाकर हमारे आनेबुल CM साहब के लिए और हमारे जो वर्किंग प्रेजिडेंट है KT रामाराव साहब के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। बहुत से लोग बहुत सी जगह जाकर गरीबों के लिए बहुत खिदमत की है और यहाँ दरगाह यूसुफैन शरीफैन एक ऐसी दरगाह है, यहाँ पर जो भी आकर जो मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हमने तेलंगाना के मूवमेंट के टाइम पर भी हमारे CM साहब ने यहाँ मन्नत की थी और यहाँ कई बार हाज़िरी दी थी, हम लोग भी कई बार हाज़िरी दिए। आज ख़ास तौर से हमारे हरदिल अजीज़ जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, डायनेमिक मिनिस्टर है, KT रामाराव साहब का जन्मदिन है, उसके लिए यहाँ उनकी ख़ास तौर से सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। और CM साहब जिस तरह हमारे पास हुकूमत चला रहे हैं, हिंदुस्तान में इतनी सेकुलर हुकूमत कहीं पर भी नहीं है इस तेलंगाना स्टेट में। CM साहब ने तेलंगाना हासिल किया काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद और इस तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना बनाने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो हमारे KCR साहब। आज KT रामाराव साहब का जन्मदिन पर बहुत यहाँ पर गिराकर हमारे इमाम साहब और उनके वालिद मोहतरम साहब जो बुज़ुर्ग यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी दुआ की है कि अल्लाह ताला हमेशा KCR साहब को सेहत दे और KTR साहब को भी सेहत दे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें हम मुबारकबाद भी देते हैं। इत्तेफाक से कल जो है थोड़ा स्लिप होने की वजह से उनको पाँव को ज़रा सा मार लग गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हज़रत क़िबला के पास गिरा कर गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतमंद बना दे और फिर से अपने काम पर लग जाए। और अल्लाह के फल से ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा सा पाँव में मार लगा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से दुआ की गई है, अल्लाह ताला से गुजारिश की गई है, अल्लाह ताला TRS पार्टी को हमेशा हमेशा इख्तदार पर रखे और ख़ास तौर से KCR साहब एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर है और उनकी पूरी फैमिली KTR साहब हो, कविता मैडम हो, संतोष साहब हो, हरीश राव साहब, वो सब मिलकर सारे कौमों की खिदमत करते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को बहुत दिल से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें, उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब हमने अल्लाह ताला से दुआ की है, गुजारिश की है कि हमारी पार्टी को हमेशा बरकरार रखें और तमाम हमारे कायदीन को सेहतमंद रखें।